जय हिंद दोस्तों। अगर आप अपने आर्म्स को चौड़ा बनाना चाहते हो तो आपको सबसे ज़्यादा अपने ट्रैसेप का वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि आपके आर्म्स में से 70% हिस्सा आपके ट्रैसेप का ही होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रैसेप बनाने के लिए टॉप 5 ट्रैसेप वर्कआउट बताने वाला हूँ, उसके साथ ही उसे करने का सही तरीका भी बताऊँगा। ये वर्कआउट इतना ज़्यादा इफेक्टिव है जिसे अगर आप 1 महीने तक अगर आप कर लेते हैं तो आपका ट्रैसेप बड़े ही आसानी से बढ़ने लगेगा। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं SPR जिमनेस। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज नंबर 1, डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप बॉडी बिल्डिंग के दुनिया में डायमंड पुशअप को ट्रैसेप के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके ट्रैसेप को बहुत जल्दी प्रेशर मतलब डेवलप करता है, और जिससे वो बहुत जल्दी ट्रेंड होता है। तो डायमंड पुशअप को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को डायमंड जैसा शेप क्रिएट करना होता है, और इसके बाद अपने बॉडी को पुशअप के पोज में लाना होता है। और जिस तरह आप नॉर्मल पुशअप लगाते हो इसी तरह आपको पुशअप करना होता है। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट करना होता है, और 3 सेट और 10 रिपीटेशन के लगाने होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, ट्रैसेप डिप्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने हाथों को किसी भी बेंच या चेयर पे पीछे की ओर रखना है, और इसके बाद अपने हिप्स को नीचे लाते हुए कुछ इस तरह से पुशअप परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट 12 रिपीटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, डंबल किक बैक। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक डंबल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप होम वर्कआउट करते हो तो एक ईंट भी ले सकते हो। इसके बाद अपने बॉडी को कुछ इस पोज में लाना है, और फिर अपने एल्बो से लेकर शोल्डर तक के हिस्से को पूरा स्ट्रेट रखना है, और फिर डंबल को पीछे की ओर किक करना है, और कुछ इस तरह से अपने दोनों हाथों को करना है। तो इस एक्सरसाइज का आपको 3 सेट 15 रिपीटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, ओवर हेड ट्रैसेप एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको डंबल या ईंट को लेकर अपने दोनों हाथों को पीछे करके कुछ इस तरह से पकड़ना है, और इसके बाद अपने शोल्डर से लेके एल्बो तक के हिस्से को स्ट्रेट रखते हुए अपने दोनों हाथों को अप एंड डाउन करना है, और अपने ट्रैसेप को स्ट्रेच करना है। एक्सरसाइज आपके ट्रैसेप को बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट 20 रिपीटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, केवल ट्रैसेप पुशअप डाउन। मतलब 5 केवल ट्रैसेप पुशअप डाउन। ये एक्सरसाइज आपके ट्रैसेप के लिए जेन्युइन एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले केबल में बेंट रो को लगाना है, और अगर आप होम वर्कआउट करते हो तो आप पेड़ में या पुलअप बार में रेसिस्टेंस बैंड या ट्यूब को लगा सकते हो, और फिर अपने लोअर बैक को अंदर ले जाते हुए चेस्ट को अप करना है, और थोड़ा सा नीचे झुक जाना है, और फिर इसके बाद शोल्डर से लेकर कोहनी तक के हिस्से को स्ट्रेट रखना है, और केबल को नीचे लाना है। ध्यान रहे कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को करें तो आपका कोहनी एक ही जगह पे फिक्स रहना चाहिए, तभी आपको इस एक्सरसाइज का पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है। और ये था 5 तरह के, मतलब इस एक्सरसाइज के आपको मतलब 3 से 4 रिपीटेशन आप 3 से 4 सेट में करना है, और 20 से 25 रिपीटेशन में करना है। तो ये था 5 तरह से एक्सरसाइज जिसे आप अपने घर पे या जिम करके अपने आर्म्स को के साइज़ को डबल कर सकते हो। तो जिससे, क्योंकि जब तक आप ट्रैसेप वर्कआउट नहीं करोगे, जब तक आप अपना ट्रैसेप नहीं बनाओगे, तब तक आपका बाइसेप नहीं बनेगा, आर्म्स का साइज नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप बाइसेप से ज़्यादा अपने ट्रैसेप पर ज़्यादातर फोकस किया करो, तभी आपका आर्म्स का साइज भी बढ़ेगा, आपका मतलब जो भी होता है बाइसेप भी आपका ट्रेंड होगा। तो आप ज़्यादातर जो है अपने ट्रैसेप को ट्रेंड किया कीजिए। तो 5 तरह के एक्सरसाइज आप घर पे या कहीं भी कर सकते हैं। कोई भी इक्विपमेंट, या अगर आप जिम में करते हैं तो जिम में सब इक्विपमेंट अवेलेबल रहता है, और अगर आप घर पे करते हैं तो ईंट या कोई भी सामान लेकर कर सकते हैं, जो वीडियो में बताया गया। तो गाइज मिलते हैं हम लोग अगले नए वीडियो में। ऐसे हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। ऐसे ही फिटनेस एंड के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले नए वीडियो में। अगली वीडियो किस पर चाहे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।